हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। और यहाँ पे कहा गया है कि फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो पहले हमें इक्वेशंस बनानी है एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन और फिर उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में हमारे पास है, इसमें कहा गया है रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम, रो मतलब तैरना, डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउनस्ट्रीम का मतलब यह है कि जिस साइड में पानी बह रहा है उसी साइड में वो तैर रही है, और अपस्ट्रीम का मतलब यह है कि जिस साइड में पानी बह रहा है उससे दूसरी दिशा में वो तैर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर। अब देखो, मान लो इस तरह से हम बात करें कि ये पानी है, जो कि इस डायरेक्शन में पानी चल रहा है, इस डायरेक्शन में जो पानी है वो चल रहा है, पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो डाउनस्ट्रीम यानी कि पानी की दिशा में अगर वो चलती है तो 20 किलोमीटर तैर लेती है कितने टाइम में, 2 आवर्स में, क्योंकि पानी भी उसी दिशा में बह रहा है और वो भी उसी दिशा में जा रही है, पानी भी उसको और तेज तैरने में सहायता करेगा। और उसके बाद कह रहे हैं कि अपस्ट्रीम, अब पानी तो इस दिशा में बह रहा है और जो रितु है वो इस दिशा में तैर रही है, पानी इधर जा रहा है और रितु इस दिशा में तैर रही है, तो पानी उसको तैरने से रोकेगा। तो यहां बताया गया कि अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर, सिर्फ 4 किलोमीटर ही तैर पाती है 2 आवर्स में, क्योंकि जब रितु पानी के विपरीत दिशा में तैरेगी तो पानी उसको रोकेगा तैरने से, तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और जब पानी की दिशा में तैरेगी तो पानी उसको हेल्प करेगा और तेज गति से तैरने में, तो उसकी स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी। ये आपको समझना है। अब यहां पे कहा है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। करंट मतलब पानी की गति से बह रहा है, इसकी स्पीड बतानी है। एक तो ये बताना है कि रितु की स्पीड क्या है स्टील वाटर में, यानी कि पानी अगर खड़ा है, पानी भरा हुआ है, शांत है, तो रितु की स्पीड कितनी है, और जो स्पीड है करंट की यानी कि पानी किस गति से बह रहा है वो स्पीड भी हमें बतानी है। तो प्यारे बच्चों, तो हम मान लेते हैं इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम ये मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड हम क्या मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड मान लेते हैं। एंड स्पीड ऑफ करंट मीन्स पानी की स्पीड जो है किस स्पीड से बह रहा है उसको मान लेते हैं वाई किलोमीटर पर। सो अब आप देखेंगे कि रितु जब पानी की दिशा में चलेगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड ऑफ रितु इन डाउनस्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ रितु इन डाउनस्ट्रीम मतलब पानी की दिशा में उसकी स्पीड क्या होगी, दोनों प्लस हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से
एंड स्पीड ऑफ ऋतु इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में जब पानी इधर बह रहा है वो इस तरफ दूसरी दिशा में चल रही है तो पानी उसकी स्पीड को कटेगा रोकेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई कम कर देगा उसका, उसकी स्पीड को पानी कम कर देगा। तो यहां पर पहुंच गया हमने ऋतु की स्पीड स्टील वाटर में एक्स किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड वाई मान ली। अब अगर करंट की साइड में ही ऋतु तैरेगी तो उसकी स्पीड एड हो जाएगी, करंट भी उसको हेल्प करेगा और तेज गति से तैरने में, तो दोनों प्लस हो जाएंगे स्पीड। और अगर एक एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे स्पीड। तो यहां पे x माइनस वाई किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन टू आवर, 20 किलोमीटर इन टू आवर। अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस है हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, 20 किलोमीटर। कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, 20 किलोमीटर। कितने आवर में, 2 आवर्स में। कब, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्पीड स्ट्रीम में स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई। अब देखो स्पीड एक्स प्लस वाई इंटू टाइम टू आवर, तो डिस्टेंस आ गई है और डिस्टेंस कितनी आई, 20 किलोमीटर। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस आ गई, स्पीड का हमें पता है कि एक्स प्लस वाई है डाउन स्ट्रीम में, टाइम टू आवर्स का है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर के इक्वल आ गया इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब इसी तरह से इसको पहले सॉल्व करो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, 2 से डिवाइड करते हैं अगर हम तो x प्लस y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। ठीक इसी तरह से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही, फिर अपस्ट्रीम के लिए 4 किलोमीटर इन टू आवर, अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, टाइम कितना है, 2 आवर, कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, 4 किलोमीटर। यहां पे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड कर दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन होगी। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सोल्व कर दो आप। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 फर्स्ट, सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 सोल्व करेंगे, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये ऐसे ही कैंसिल होगी, 2x दैट इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2, 1 पे 6 पे, तो x की वैल्यू आ गई 6। अब हम पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4, तो एक्स इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 4, तो ये आ गया हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं कि सो स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, ये हमने एक्स माना है तो ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू वाई माना है हमारे पास, ये आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंडीशन है वो आपको ठीक ढंग से यूज करनी है। अब आप देखो अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो आप देखो जब जिस साइड में पानी चल रहा है ऋतु भी उसी साइड में तैर रही है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी,
तो ये 6 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, तो 6 और 4 10 किलोमीटर हो गया। तो 1 आवर में 10 किलोमीटर जाएंगे, तो 2 आवर में 20 किलोमीटर जाएंगे। तो यही था 2 आवर में 20 किलोमीटर। अब अगर पानी इस साइड में चल रहा है और ऋतु इस साइड में तैर रही है, तो जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, यानी कि 1 आवर में 2 किलोमीटर चलेंगे, तो 2 आवर्स में कितने चलेंगे, 4 किलोमीटर हो जाएंगे। तो यानी कि आंसर सही है, हमने वेरिफिकेशन कर लिया। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 1। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 की तरह से ही पार्ट सेकंड जो हमारा पार्ट 1 था, ठीक इसी तरह से पार्ट सेकंड भी एक बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। कोई कढ़ाई का कार्य है, कसीदे का कोई कार्य है, उसको 2 वुमेन एंड 5 मैन फिनिश कर देते हैं उस वर्क को 4 डेज में, और वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। अगर 3 वुमेन और 6 मैन करें तो इसको 3 डेज में फिनिश कर देते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो 1 वुमेन उस पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगी ये बताना है हमें। एंड आल्सो टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन, और 1 मैन इसको कितने दिन में फिनिश करेगा ये भी हमें बताना है। तो यहां पे बात हो रही है मैन और वुमेन के वर्क की। तो यहां पे जो हमें फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क या एम्ब्रॉयडरी वर्क लिख सकते हो। तो हम मान लेते हैं एक्स डेज मान लेते हैं। एक वन वुमेन उस काम को एक्स डेज में फिनिश कर देती है, एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क, इसको हम वाई मान लेते हैं, वाई डेज। ये हो गया हमारे पास। अब यहां पे टू वुमेन और 5 मैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। तो 2 वुमेन और 5 मैन उस काम को 4 डेज में खत्म करते हैं। तो 2 वुमेन कितना काम कर देंगे ये भी हमें देखना है। तो अब यहां से अगर 1 वुमेन एक पूरे काम को एक्स डे में करती है, तो यहां से वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एक्स। ये थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है समझने में, क्या है आप समझो कि 1 वुमेन एक वर्क को कंप्लीट कर देती है एक्स, मानो 5 डेज में कंप्लीट कर देती है। 1 वुमेन एक वर्क को कंप्लीट कर देती है 5 डेज में। यहां से इसको समझना है पहले आप, 5 डेज में उस काम को पूरा कर देती है, तो वर्क डन बाय वुमेन इन 1 डे, अगर वो 5 डे में उस काम को
पूरा कर देती है तो वन डे में वो कितना काम करेगी, 1/5, यानी कि उस काम का पांचवा हिस्सा, फिफ्थ पार्ट कंप्लीट कर देगी। अब आप सोच के देखिए कि वन डे में उसने काम कर दिया 1/5, सेकेंड डे में भी 1/5, थर्ड डे में भी 1/5, फोर्थ डे में भी 1/5, फिफ्थ डे में भी 1/5, 1+1+1+1+1, 5/5, 1, यानी कि जो वर्क है, वर्क तो एक ही है ना, वन वर्क, तो वो वर्क है कंप्लीट हो गया 5 डेज में, 1, 2, 3, 4, 5। तो जब भी आपको ये दिया हुआ कि कोई व्यक्ति, कोई मैन या वुमन किसी काम को इतने दिन में कर देते हैं, तो वन डे का जब भी काम निकालना हो तो 1/5 कर देते हैं हम। तो यहां से वर्क डन बाय वन वुमन इन वन डे, ये वन वुमन का वन डे का वर्क आ गया हमारे पास। ठीक इसी तरह से मैन उसको वाई डेज में कंप्लीट कर देता है, हम लिखेंगे कि वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे। तो ये वाई डेज में अगर कंप्लीट करता है तो 1/y वर्क कर देगा ये वन डे में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वन वुमेन वन डे में 1/x वर्क करती है, तो टू वुमेन कितना वर्क करेंगे? जब वन वुमेन वन डे में 1/x वर्क करती है तो टू वुमेन कितना वर्क करेंगे? 2x डबल, 5 वन मैन वन डे में 1/y वर्क करते हैं तो 5 मैन कितना वर्क कर देंगे? 5/y इतना वर्क कर देंगे। अब ये टू वुमेन का वन डे का कार्य और ये फाइव मैन का वन डे का वर्क हो गया। टू वुमेन का और 5 मैन का ये वन डे का वर्क हो गया। अब वो वर्क कितने दिन में पूरा हो रहा है? 4 डेज में पूरा हो रहा है। कब? जब उसको 2 मैन और 5 वुमेन कंप्लीट करते हैं, और ये जब 2 वुमेन और 5 मैन उसको करते हैं तो वो 4 डेज में पूरा होता है। तो 2 वुमेन का 1 डे का वर्क, 5 मैन का 1 डे का वर्क, यानी कि ये टोटल वर्क हो गया कितने दिनों का? 1 डे का। अब 1 डे में तो काम पूरा नहीं हुआ है, 1 डे में तो वो काम पूरा नहीं हुआ है, वो तो कितने डेज में पूरा हुआ है? 4 डेज में। तो 4 डेज में अगर वो पूरा हुआ है तो 1 डे में कितना हुआ होगा? 1/4, तो ये 1 डे में 1/4 होगा। अब देखो कोई वर्क अगर एक्स डे में पूरा होता है तो 1 डे में कितना होगा? 1/x। कोई वर्क वाई डेज में पूरा होता है तो 1 डे में कितना होगा? 1/y। तो ठीक इसी तरह से अगर कोई वर्क 4 डेज में पूरा हो रहा है तो 1 डे में कितना होगा? 1/4। तो 4 डे में कब पूरा होता है? जब 2 वुमेन और 5 मैन करते हैं। तो 2 वुमेन और 5 मैन का 1 डे का वर्क निकाल लिया और किसके इक्वेट कर दिया? 1/4 के इक्वेट कर दिया। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब की बार क्या कहा गया है कि 3 वुमेन, 3 वुमेन का कितना हो जाएगा? 3/x प्लस 3 वुमेन एंड 6 मैन कितना हो जाएगा? 6/y। कितने दिन में फिनिश कर देते हैं? 3 डेज में। तो ये 3 वुमेन और 6 मैन का 1 डे का वर्क आ गया। 3 डेज में अगर ये पूरा हो जाता है तो 1 डे में 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखो
तो ये हमारे पास वही है, ये 2 इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 इंटू 1 डिवाइड बाई वाई दैट इज इक्वल टू 1/4। ये है हमारे पास 3 इंटू 1 बाई एक्स 6 इंटू 1 बाई वाई दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। तो इस तरह से बन गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसमें 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई को हम रिप्लेस कर देंगे, 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई को रिप्लेस कर देंगे। पुट 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल टू ए एंड 1 बाई वाई इज इक्वल टू बी, दिस बिकम्स इंप्लाइज ये हो जाएंगे 2 ए प्लस 5 बी इज इक्वल टू 1/4 और 3 ए प्लस 6 बी दैट इज इक्वल टू 1/3। तो आप इसको नाम दे दे 3 इक्वेशन का और इसको 4th इक्वेशन का। अब हम इनको सोल्व करना है, तो इनको सोल्व करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, कोफिशिएंट इक्वेट कर दें हो जाएंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 6 ए प्लस 15 बी, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया 3/4 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 6 ए प्लस 12 बी दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3। अब माइनस माइनस और माइनस इसके साथ ये कैंसिल हो गया, 15b और 12b माइनस किया तो 3b आ गया। यहां से देखो ये है 3/4 माइनस 2/3, 12 आ गया, यहां से 9 और ये माइनस 8 तो ये 1/12 आ गया, तो ये आ गया 1/12। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा 1/12 इंटू 3 तो 1/36। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/36। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, थर्ड में कर देते हैं, थर्ड यहां से थर्ड आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 5 इंटू बी, बी की वैल्यू है 1/36 दैट इज इक्वल टू 1/4। दिस इंप्लाइज 2a प्लस 5 डिवाइड बाई 36 दैट इज 1/4, 2a दैट इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5 डिवाइड बाई 36, इसका एलसीएम आ गया 36, 9 माइनस 5 तो ये आ गया हमारे पास 4 डिवाइड बाई 36। यहां पे 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 माइनस 5 तो इसको कैंसिल हो जाएगा 1/9। तो हमारे पास 2a दैट इज इक्वल टू 1/9, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1/9 इंटू 2 तो 1/18। अब आप देखेंगे कि हमारे पास a की और b की वैल्यू आ गई, तो हमने क्या माना था 1/x हमारा क्या है a और a की वैल्यू 1/18 आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू 18 आ गई। ठीक इसी तरह से 1/y हमने b माना और b की वैल्यू आ गई 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। तो ये x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें क्या निकालना था कि फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, तो यही हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी। हम लिख देंगे कि सो टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू कंप्लीट द वर्क दैट इज इक्वल टू 18 डेज एंड टाइम टेकन बाय वन मैन टू कंप्लीट द वर्क दैट इज इक्वल टू 36 डेज। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, यहां पे इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है तो वो ये जगह है
जहां पे आपको दिक्कत आ सकती है, इसको सोचने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कोई भी वर्क अगर एक्स डेज में कंप्लीट होता है तो वन डे में वन बाय एक्स वर्क होगा, उस वर्क का वन बाय एक्स पार्ट कंप्लीट होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर वन वुमेन वन डे में वन बाय एक्स वर्क करती है और मैन वन बाय वाई वर्क करते हैं, तो यहां पर टू वुमेन टू बाय एक्स वर्क करेंगे, फाइव मैन फाइव बाय वाई वर्क करेंगे, तो ये वन डे का वर्क हो गया। और वो वर्क जो वर्क वो कर रहे हैं, वन डे का वर्क हुआ है, वो वर्क फोर डेज में कंप्लीट होता है, तो वन डे में कितना पार्ट होगा उस वर्क का, वन बाय फोर। तो दोनों जगह पे एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कुछ भी इसमें अलग से नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड। मेरे बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें कहा गया है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस, यानी कि वो कहीं से अपने घर पे आ रही है जो कि कितनी दूर है, 300 किलोमीटर है, यानी कि यहां पे मान लो वो ए पॉइंट पे है और उसका घर बी पॉइंट पे है, तो यहां से अपने घर पे आ रही है, तो वो जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 300 किलोमीटर है। अब इस 300 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए ये जो 300 किलोमीटर है वो कुछ पार्ट तो ट्रेन से आ रही है और कुछ पार्ट वो बस से ट्रेवल कर रही है। आगे बताया गया है कि शी टेक्स 4 आवर, उसको 4 आवर्स लगते हैं। इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है एंड रिमेनिंग बाय बस। अब यहां से सपोज करो यहां तक का जो 60 किलोमीटर है, यहां से यहां तक का है वो ट्रेन से ट्रेवल करती है, ये कितना है 60 किलोमीटर, और जो बाकी का बच गया है वो बस से करती है। तो अगर ये टोटल 300 किलोमीटर है तो बाकी का जो बच गया है वो कितना होगा, ये 240 किलोमीटर, क्योंकि टोटल तो 300 है किलोमीटर, तो बस से जो ट्रेवल कर रही है वो है 240 किलोमीटर। अब इसमें पूरी ट्रेवलिंग में ट्रेन से भी और बस से भी पूरी को मिला दें तो उसको जो टाइम लगता है वो लगते हैं 4 आवर्स, ये टाइम उसको लगता है। एक कंडीशन यहां पे पूरी हो जाती है, इफ यू ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, मान लो 100 किलोमीटर यहां पे और वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करे, कितना 100 किलोमीटर, एंड द रिमेनिंग बाय बस, और जो बाकी का रिमेनिंग है, यहां तक तो ये हो गया, यहां पे ऐसे कर लेते हैं, तो यहां पे बाकी का जो रिमेनिंग है वो बस से, यानी कि 200 किलोमीटर बस से कर रही है, तो शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट्स ज्यादा लगते हैं, मीन्स पहले 4 आवर लग रहे थे तो अब की बार जो टाइम लगेगा वो 4 आवर्स और 10 मिनट्स लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली, तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस कैलकुलेट करनी है सेपरेट। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमें जो फाइंड कर लेते हैं करना है उसको नेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस, ये हमने मान लिया वाई किलोमीटर पर आवर। तो बस की और ट्रेन की स्पीड हमने मान ली।
अब कंडीशन पे आ गया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो 4 आवर लग रहे हैं, यानी कि टाइम है हमारे पास। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम होता है। 300 किलोमीटर थे, कुछ हिस्सा 60 किलोमीटर का हिस्सा ट्रेन से ट्रेवल किया और बाकी का 240 किलोमीटर का हिस्सा बस से ट्रेवल किया, तो टाइम कितना लगा? 4 आवर। तो इसका टाइम और इसका टाइम, जो ट्रेन से ट्रेवल किया और जो बस से ट्रेवल किया, दोनों के टाइम का जो टोटल है वो कितना है? 4 आवर्स। जो टाइम है वो है, टोटल जो टाइम है वो 4 आवर्स है। अब आप देखिए, ये जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है और ये हिस्सा ट्रेन से ट्रेवल किया, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर। तो टाइम का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 60 किलोमीटर, स्पीड x किलोमीटर। तो ये टाइम आ गया जो ट्रेन से लगा, ये जो हिस्सा है वो बस से ट्रेवल किया। डिस्टेंस कितनी है? 240 किलोमीटर। स्पीड कितनी है बस की? y किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वो टाइम आ गया जो बस से टाइम लगा। ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम कितना है? 4 आवर। ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम किसके इक्वल है? 4 आवर। लिख देंगे यहां पर, लिख देंगे 60 डिवाइड बाय x, ये टाइम आ गया जो ट्रेन से लगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, और 240 डिवाइड बाय y। तो ये टोटल जो टाइम लगा है वो कितना लगा है? 4 आवर। तो ये हमारे पास कंडीशन 1 होगी, यहाँ पे इक्वेशन 1 हमारी पूरी हो जाती है। आप चाहे तो इसको 4 से, क्योंकि सारे ही 4 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं आप इसको। 4 से अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग बाय 4, तो आप क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाय x प्लस 4 पे करेंगे 60 डिवाइड बाय y और ये 1। इसको आप इक्वेशन 1 मान लें। अब ठीक इसी तरह से सेकेंड केस पे आ जाओ। सेकेंड केस में क्या हुआ? ये जो 300 किलोमीटर थे, इसमें से जो 100 किलोमीटर है वो तो ट्रेन से है और जो बाकी के 200 किलोमीटर है वो बस से है। इसके डिवाइड में कर देंगे स्पीड तो टाइम आ जाएगा, इसके डिवाइड में कर देंगे स्पीड तो टाइम आ जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस 100 किलोमीटर स्पीड एक्स, डिस्टेंस 200 किलोमीटर स्पीड वाई, टाइम लग गया कितना? ये लग गया 4 आवर्स 10 मिनट्स। तो आप इसको 4 और ये तो आवर हो गए, 10 मिनट है, मिनट के डिवाइड में 60 कर देते हैं तो ये भी आवर्स हो जाएंगे। तो ये 4 + 1 डिवाइड बाय 6 हो गया। तो यहां से एलसीएम लिया 6, 24 + 1 यानी कि 25 डिवाइड बाय 6, इतने आवर्स बन गए। तो आप इस तरह से रफ पे बना लें या फिर मेन पे बना लें, आपकी मर्जी है। तो ये हमारे पास आ गए 25 डिवाइड बाय 6 आवर्स, यहां पे पहुंच गए हम। अब ये भी देखो हमारे पास कितने से डिवाइड हो रहा है? 25 से डिवाइड हो रहा है। तो 25 से इसको डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय x और 8 डिवाइड बाय y और ये 1 डिवाइड बाय 6। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। तो ये 2 इक्वेशंस आ गई। अब हमें इन 2 इक्वेशंस को आपस में सोल्व करना है। तो ये फिर उसी में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किए हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, फर्स्ट को तो ये 15 × 1/x + 60 × 1/y = 1 है और ये दूसरी है हमारे पास 4 × 1/x + 8 × 1/y = 1/6 है। तो हम पुट कर देते हैं 1/x = a
एंड 1/y इज इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा 15a + 16b दैट इज इक्वल टू 1, इसको 3 डाल देते हैं और ये हो जाएगा 4x + 8y दैट इज इक्वल टू 1/6, इसको 4 डाल देते हैं। अब आप देखिए इसको कितने से करेंगे इक्वेट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं सिंपली कर देते हैं, इसको हम 4 से कर देते हैं और इसको हम 15 से कर देते हैं। तो 4 और 15 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे तो ये 60a + 240b दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहां से हमने इसको 4 से किया तो 60a + 240b दैट इज इक्वल टू 4, इसको 15 से करेंगे तो 60a 120, यहां वाई नहीं है यहां पे बी है, बी दैट इज इक्वल टू, इसको जब आप 15 से करोगे 1/6 को जब आप 15 से करोगे यहां 2 और यहां 5, तो ये 5/2 हो जाएगा, यहां पे आ गया। आप चाहे तो पहले यहां फ्रैक्शन भी खत्म कर सकते थे इसकी, पहले इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर लेते, 6 से मल्टीप्लाई कर देते, कोई इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, पहले ही क्वेश्चन बड़ा हो रहा है और बड़ा हो जाता, तो हमने नहीं किया। अब आप इसमें से कर लेंगे, इसको जब हम सोल्व करेंगे माइनस माइनस और माइनस, इसके साथ ये कैंसिल, 240b - 120b, तो 120b आ जाएगा। यहां देखो ये 4 - 5/2 है, ये 2, 8 - 5 यानी कि 3/2, तो ये आ गया 3/2, तो b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3/2 × ये 120 आ जाएगा, तो ये आ गया 1/80, तो b की वैल्यू आ गई 1/80। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो ये है 15a + 60b दैट इज इक्वल टू 1। यहां पे हम वैल्यू करेंगे 15a वैल्यू पुट कर देंगे 60 × b की वैल्यू 1/80 दैट इज इक्वल टू 1, 0 कैंसिल, ये 3 और ये 4, दिस इंप्लाइज 15a + 3/4 इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज 15a इज इक्वल टू 1 - 3/4, यहां से करेंगे तो 15a दैट इज 4 एलसीएम, 4 - 3 यानी कि 1/4, a की वैल्यू आ जाएगी 1/4 × 15 1/16। अब आप देखेंगे हमारे पास a और b के लिए 1/x हमारे पास a है और a की वैल्यू आई 1/60, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x की वैल्यू 60 आ गई। 1/y हमने b माना है और b की वैल्यू आ गई 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 80, तो ये हमारे पास आंसर आ गए। अब आप चेक कर लें कि सो स्पीड ऑफ ट्रेन x माने थे हमने कितनी आ गई 60 km/h, इसी तरह से स्पीड ऑफ बस ये हमने y किलोमीटर मानी थी 80 आया, तो 80 km/h, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। चेक कर लेते हैं अभी एक जगह से, हम किसी भी एक जगह से चेक कर लेते, टोटल ये 300 km है, 60 पहले केस में 60 km कैसे चले ट्रेन से और 240 km कैसे चले बस से, ठीक है। इसमें 4 आवर्स का टाइम लगा, इसमें 4 आवर का टाइम लगा, ये ट्रेन से है और ये बस से है, ट्रेन की स्पीड है 60 km/h, तो 60 km/h है और 60 km है, तो डिस्टेंस को जब स्पीड से डिवाइड करोगे तो टाइम आ जाएगा, तो यानी कि 1 आवर लगा यहां पर, 1 आवर ट्रेन से जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसमें 1 आवर का टाइम लगा, बस से जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो 240 km है और बस से स्पीड कितनी है 80 की,
तो इसको अगर हम 80 से डिवाइड कर दें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा 813 पे, तो यहां से 3 आवर्स लगे, तो 1 आवर और 3 आवर टोटल कितने हो गए, 4 आवर, 4 आवर ही थे हमारे पास, तो बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा जो आंसर है हमने इसकी वेरिफिकेशन कर लिया और हमारा जो आंसर है वो सही है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 3.6 है वो कंप्लीट हो जाती है और इसके साथ साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों लगातार प्रैक्टिस करते रहें, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।